हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास 10+2 बिजनेस। माय नेम इज मनीत फ्रॉम आदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैसरगढ़। हम प्लस टू बिजनेस का थर्ड चैप्टर कर रहे थे, आज का पार्ट 4 रहेगा। हम कर रहे थे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। इंटरनल क्या था, उसके बाद एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल के दो पार्ट थे माइक्रो मैक्रो। तो माइक्रो हमने डिस्कस कर लिया, आज हम करते हैं मैक्रो। मैक्रो क्या आ जाएगा, समष्टि जो बड़े लेवल पर है, ठीक है। इसके अलग अलग पार्ट आ जाएगा। पहला आ जाएगा इसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मतलब कि आर्थिक वातावरण, आर्थिक जो आर्थिक कंडीशन देश की इकोनॉमी उसके बारे में होगा, ठीक है। पहला है इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसे है, मतलब कि समाजवाद है, पूंजीवाद है, मिश्रित है। समाजवाद में क्या होता है, सारा सरकारी होता है, पूंजीवाद में सारा प्राइवेट होता है, मिक्स में क्या होता है, आधा सरकारी और आधा प्राइवेट होता है, ठीक है। तो हमारे देश में से मिश्रित व्यवस्था है, तो इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। चाइना में ये है और अमेरिका में समाजवाद कंडीशन सिस्टम अपनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी इकोनॉमिक सिस्टम। फिर आ गया आर्थिक नीतियाँ। आर्थिक नीतियाँ में क्या चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे हमारी देश में इकोनॉमिक पॉलिसियाँ लगती है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ठीक है। तो वो अलग अलग पॉलिसियाँ होगी जिनके रूल हमें मानने पड़ेंगे, कानून हमें मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक पॉलिसी, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आर्थिक दशाएं, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, मतलब कि देश में किस कंडीशन चल रही है, वो मंदी में, तेजी में है, ठीक है, या डिप्रेशन में, किस कंडीशन में एक इकोनॉमी चल रही है, वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन है, हम विकसित है, अविकसित है, या विकासशील अवस्था में है, ठीक है, वो आ जाएगा। पॉलिटिकल, राजनीतिक वातावरण, राजनीतिक पार्टियां क्या है, इसमें राजनीतिक दल आ जाएंगे, ठीक है। अब एक सरकार बदलेगी, दूसरी सरकार आ गई, तो दूसरी सरकार के रूल अलग होंगे बिजनेस अकॉर्डिंग, और पहले के अलग थे, ठीक है। उनके जो टैक्स वगैरह अलग अलग कंडीशन थी, ठीक है, और कुछ बैन लगा दी या कुछ नया कर दिया, किसानों के लिए कर दिया था, ठीक है, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। फिर आ जाए सोशल एनवायरमेंट, सामाजिक वातावरण, हमारा बिजनेस समाज चलेगा, समाज में क्या होता है, फैशन, आय, रुचि, इनमें चेंज होता रहता है, त्यौहार वगैरह आते हैं, ठीक है, फेस्टिवल मनाते हैं, तो उनमें क्या कंडीशन होगी, क्या डिमांड करेंगे, तो उसे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। लीगल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, वैधानिक जो नियम है, प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया, MRTP हो गया, MRO हो गया, तो ये क्या है, ये रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, जिस रूल वगैरह बने हैं, तो इनका भी नियम पालन करना चाहिए। टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ठीक है, तो नई टेक्नोलॉजी है, जिसमें नई टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग कर रहा है उसके लिए तो बिजनेस अच्छा है, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, और जिसके लिए नई टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, वो क्या थेरेटी है, ठीक है। तो ये क्या, ये बड़े लेवल के हमारे इन्वायरमेंट का जाए, इकोनॉमी आ गई, इसमें आर्थिक वातावरण था, और इसमें आर्थिक सिस्टम आ गया, आर्थिक पॉलिसियाँ आ गई, नीतियाँ आ गई, अर्थदशाएँ आ गई, ठीक है। पॉलिटिकल राजनीतिक इन्वायरमेंट हो गया, और इसमें आगे हमारे पास सोशल इन्वायरमेंट, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग हमें बिजनेस चलाना चाहिए, अगर इनमें कोई दिक्कत आती है तो बिजनेस में चलाने में मुश्किल आएगी, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस को संभाल लेते हैं तो हमारा बिजनेस अच्छी कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का 4th पार्ट, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आगे से हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।